पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। There used to be a family of 6 who have now lost their house owing to the cracks and massive fissures which all the houses in Joshimath are experiencing. And now the family has been evacuated. They have spent all their savings in building this house, which has now been completely damaged. आपका नाम मुझे बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं जोशीमठी में रहती हूँ। और इतना घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं और हम खुद जानते हैं कि हम इस हालत में अभी क्या हैं। आप देखिए, पूरा घर हर तरीके से बिखर रहा है और हम हर जगह ऐसी देख रहे हैं, हर कोई आ रहा है, देख रहा है और चले जा रहे हैं। भले उन्होंने किया है हमारी व्यवस्था पानी, हमें ऐसी हालतों में देखा है तो स्कूल में शिफ्ट तो किया है, पर लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द हमें अपनी छत दे और हम वहाँ सुरक्षित रह सके। मुझे एक बात बताइए लक्ष्मी जी, कि आपने आपने आपके घर पे कितने लोग हैं? यहाँ पे मेरे देवर का घर है ये, और यहाँ पे मेरे देवर का घर है, ये लोग भी उधर स्कूल में शिफ्ट हो रखे हैं। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे ये यहाँ पे 2 परिवार इनके हैं, यहाँ पे मेरे देवर लोग 2 यहाँ हैं और मेरी जिठानी लोग हैं, 3 परिवार यहाँ पे हम लोग हैं, यही है यहाँ पे 3। तो आप लोगों ने अपना पूरा पैसा जो जमा पूंजी होगी उसको लगा के सब मकानों पे लगा रखा है मैम। यहाँ पे हम अपना जोशीमठ में ये है कि अपना गाय भैंस को धंधा करते हैं, खेती बाड़ी का काम है, पूरा जमीन चली गई है, मकान चले गए हैं, हम रोड पे हैं, ऊपर हो गए हैं, जितने भी कमाना था धमाना था सब इन मकानों पे लगा दिए है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं अब इन चीजों के लिए, हम तो खुद ही दुखी हो रखे हैं। और कल हम देखते देखते हमारा सामने हमारा मंदिर टूटा जा रहा है और हर दिन यही देख रहे हैं कि इसमें इतनी पूजा करी, इतनी आराधना रखी हमने, ऐसे वो हमारे सामने गिर गया है। तो हमें कल से ना खड़े होने की भी हिम्मत नहीं पड़ी है। बहुत मन से हमने अपना मंदिर को सजाया था, वहाँ पे वो मंदिर भी डूब गया है। और आप देखिए, इतने परिवार बीच में होने के बावजूद भी ऐसे में यहाँ पे गौशाला थी और फिर गायों को यहाँ घर के अंदर रखा हुआ था, फिर हमने किसी को फ्री में दे दिया गाय भी। अब लगाइए इस घर की हालत देखो, ऐसे एक एक पैसा एक एक पाई हमने जोड़ा है वो आज भी नसीब पे हमारा है नहीं। ये घर तो मैं देख रही हूँ पूरे तरीके से टूट चुका है, पूरा तरीके से। आप मुझे बताइए घर टूटना कब शुरू हुआ? ये हो गया मैम अभी कम से कम 3-4 तारीख से हो रहा है ये ऐसी चीजें, पर ये टैंडल की वजह से ही हुआ है। हमारी मकानों में पहले ऐसी चीजें हमने कभी सोचा ही नहीं था जोशीमठ में ऐसा भी होगा। तो ये पिछले सिर्फ आप बोल रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में ही घर पूरे तरीके से ढह गए हैं। तरीके से क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसका? इसका कारण बस यही है, NTPC वालों ने ये जो किया है, ये पानी का जो टैंडल बनाया है, हमारा जोशीमठ में सबसे ज्यादा खतरा वही बना हुआ है यहाँ पे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार इससे पहले भी ऐसा होता था, सरकार को पता था? देखो इतने हमें भी इतने सालों से इतने पुराने हो चुके हम यहाँ पे, हमें इतना तो नहीं है कि ये ऐसे ही टूटता चला जा रहा, हमने ऐसा नहीं देखा मैम, ये पहली बार हम ये चीजें देख रहे हैं। सरकार को पता था कि ऐसा स्थिति हो सकता है NTPC का प्लांट लगाने पे? अब ये तो देखो मैम, ये हमें पता नहीं है, अब सरकार क्या करता क्या नहीं हमें इन चीजों का तो पता है नहीं है, पर लेकिन NTPC से ये पता है कि हमें इन पानियों से हमारी जमीनें पूरी धस चुकी है। यहाँ जो पानी सरकार से आपको बस हमें हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ मत दो, हमें घर दो, बस हमारी ये उम्मीद है। हम जैसे इन घरों में हमने अपने 1-1 रुपया जोड़ के लगाए हैं, वो सरकार हमें अपना घर दे दे, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए।